हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। पिछले वाली वीडियो में बात कर रहा था चैलेंजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, और इस वाले वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, बुल विप इफेक्ट। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, विप का मतलब क्या है। आपने सुना हो कोड़ा, जैसे जो टांगा वगैरह जो चलाते हैं वो हॉर्सेस को मारते हैं ना, एक ताकि वो आगे मूव कर सकें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, दैट इज़ एक्चुअली अ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। खैर, उस चीज़ से हम रिलेट करके इस टॉपिक को इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। मतलब विप का मतलब आपको समझ आ गया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपने विप देखी होगी, इस तरीके से होती है। तो जिस तरीके से विप होती है ना, मतलब मैंने इसको ऐसे रख दिया है, ऐसे आप विप को रख दोगे तो ऐसे तो लगेगी देखने में, तो ये विप है। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टॉपिक हमसे कहना क्या चाहता है। पहला पॉइंट लिखा है स्मॉल चेंज, ध्यान से देखिए, स्मॉल चेंज एट वन एंड कॉजेज लार्ज चेंज एट अनदर एंड। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर एक जगह पे चेंज आ रहा है तो वो सब जगह पे चेंजेस लेके आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं इसको थोड़ा सा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये एक टॉपिक आता है बुल विप इफेक्ट। आपने देखा कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसने कहीं से प्रोडक्ट लिया होगा सप्लायर से, सप्लायर से मैन्युफैक्चर, देन वो चीज़ कहाँ जा रही है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास लेके जा रहा है, होलसेलर रिटेलर के पास, एंड फाइनली कस्टमर। मान लो कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, कस्टमर को कोई चीज़ समझ नहीं आती और कस्टमर डिमांड चेंज कर लेता है, तो अगर लिटिल बिट इन डिमांड चेंजेस है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर जरा सा भी डिमांड इधर उधर होती है, डिमांड थोड़ी सी भी इधर D1 से मान लो D2 हो रही है डिमांड, थोड़ी सी भी डिमांड, पहले कस्टमर कोई बिस्किट का पैकेट के 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा था, अब वो 60 यूनिट्स कर रहा है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा कर रहा है, प्लस 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, यानी कि डिमांड पहले कुछ और थी अब कुछ और है। तो जब ये चेंजेस आते हैं, यानी कि एक चीज़ पे चेंज आने से पूरी चेन पे इफेक्ट पड़ता है। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। इसके अलावा बुल विप इफेक्ट के दूसरे नाम क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बुल विप इफेक्ट जो है उसके दूसरे नाम क्या है, तो विप्लैश इफेक्ट है या फॉरेस्टर इफेक्ट, इसके दूसरे नेम्स हैं। ओके, अब ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा सा समझते हैं। जब भी डिमांड में मिसमैच आता है, जब भी डिमांड में मिसमैच आता है या इनएक्यूरेसी आती है या कोई भी एरर आ जाती है डिमांड फोरकास्ट में, हमने सोचा था फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि कस्टमर्स की डिमांड, वैसे नॉर्मली कस्टमर की डिमांड 10 यूनिट चल रही थी और मैन्युफैक्चरर ने सोचा चलो 10 यूनिट कस्टमर की डिमांड, हम 20 यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। सप्लायर ने सोचा चलो 20 यूनिट है तो मैं 20 यूनिट के 20 यूनिट ले जाऊंगा, तो वो ले गया होलसेलर के पास, होलसेलर रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से कस्टमर के पास प्रोडक्ट आ गया। तो हुआ गया इन सब चीज़ों के बीच में, हमने अपने मन से सोच लिया, हमने अपने मन से डिमांड फोरकास्टिंग थोड़ी सी कर लिया, मान लो कस्टमर ने 20 यूनिट की जगह डिमांड अपनी गिरा के 10 यूनिट्स कर दी, तो पूरी चेन पे इफेक्ट पड़ेगा ना। जा तो सप्लाई कितना हो रहा है प्रोडक्ट 20 यूनिट का, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कस्टमर की डिमांड तो 20 यूनिट है, मगर 20 यूनिट तो अब है ही नहीं, डिमांड चेंज हो गई, तो जरा सी डिमांड चेंज होने से पूरी चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। अब मैन्युफैक्चरर ने एक्स्ट्रा क्यों बना लिया, मैन्युफैक्चरर को लगा कि भाई एक्स्ट्रा बना लेते हैं 20 है तो उसने 20 ही बना लिया, चलो खैर। वैसे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बना लेते हैं। एक्स्ट्रा बनाने पर क्या होता है, आपने प्रोडक्ट एक संग बना लिया तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। ओके, तो दिस इज बुल विप इफेक्ट, और इसके दूसरे नेम्स क्या थे, विप्लैश इफेक्ट या फॉरेस्टर इफेक्ट। अब इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, मैं लेके आई हूँ इस एग्जांपल ताकि आपको समझा सकूं कि ये बुल विप इफेक्ट कैसे वर्क करता है। सो बड़ा प्यारा सा लवली सा एग्जांपल मैं इसका लेके आई हूँ बुल विप इफेक्ट का। अब एग्जांपल क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। अपने आप को कंसिडर करो, आप एक कस्टमर हो, अपने आप को मान लो कि आप कस्टमर हो, ऑफकोर्स वेर कस्टमर ऑल्सो, आप शॉप पे जाते हो गए, मान लो आप एक नॉर्मली एक शॉप से 5 यूनिट्स का, मतलब मान लो 5 पैकेट बिस्किट के नॉर्मली एक मंथ में आप एक मंथ में पार्ले जी खरीदते हो, पार्ले जी के एग्जांपल ले लेते हैं, आप 5 यूनिट्स लेते हो, मतलब 5 पैकेट इसके लेके आते हो एक पर मंथ, 5 यूनिट्स पर मंथ आप लेके आते हो नॉर्मली। लेकिन अब होता क्या है, आप क्या मेहमान आ जाते हो और आप सोचते हो यार अभी पार्ले जी की डिमांड आपने और बढ़ा दी, आपने 5 और सोचे कि मैं 5 और लेके आता हूँ, आप गए मार्केट, आप शॉप के पास गए, आप शॉप के पास जाने के बाद बोला कि हमें 10 पैकेट दे दो पार्ले जी के, शॉपकीपर सोचने लगा यार ये तो 5 लेता था, उस पर स्टॉक नहीं था इतना। मान लो आप ही सिंगल कस्टमर हो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ही सिंगल कस्टमर हो, एक ही शॉपकीपर है, वो आपके लिए प्रोडक्ट रखते हैं, ऐसे समझ के चलते हैं। तो 5 यूनिट्स आपकी यूजुअल डिमांड थी, आपकी डिमांड चेंज हो गई, अब आपने 5 यूनिट और मांग लिए, भाई मुझे 5 यूनिट और चाहिए, यानी कि अब आपको कितने पैकेट चाहिए पार्ले जी के, टोटल 10 पैकेट्स चाहिए,
10 पैकेट्स ऑफ पाले जी चाहिए। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में ये होगा, तो यहाँ पे जब कस्टमर 5 यूनिट डिमांड कर रहा था तो मैन्युफैक्चरर भी वहां से 5 यूनिट बना के देता था। चेन ऐसी तो चलती है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। तो कस्टमर 5 यूनिट डिमांड करता था, मैन्युफैक्चरर भी 5 यूनिट बना के दे रहा था। अब रिटेलर को आती गुस्सा, रिटेलर कौन, जिससे सामान लेने गए हो आप कि भाई मुझे 10 पैकेट दे दो पाले जी के। रिटेलर ने कहा यार ना, तो यहाँ तो मिसमैच हो गया, गड़बड़ हो गई, ये तो 5 यूनिट लेने आ रहा था, आप ये 10 यूनिट लेने आ रहे हैं, 10 पैकेट मैं कहाँ से लेके आऊँ, यहाँ पे मिसमैच हुआ। तो अगली बार क्या करते हैं, अभी तो कहते हैं चलो तुम 5 यूनिट ले जाओ, अगली बार हम आपके लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अब ये क्या कहता है, इसके पास ये जाता है होल सेलर के पास, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होल सेलर के पास जाता है, होल सेलर से कहता है कि भाई देखो मेरे पास कस्टमर है, उसकी डिमांड अब 10 यूनिट हो गई है। तो अब होल सेलर सोचता है 10 यूनिट हो गई तो एक काम करता हूँ 15 यूनिट बना लेता हूँ, तो 5 यूनिट वो एज अ सेफ्टी स्टॉक बना के रख लेता है। हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड वहाँ से 10 की जगह अगले महीने 15 हो जाए, तो एटलीस्ट 5 उसने एक्स्ट्रा बना लिया होल सेलर ने, यहाँ पे 15 यूनिट बना के रख लिया इसने। अब रिटेलर का तो काम हो गया यहाँ पे, और होल सेलर का भी काम हो गया। अब होल सेलर बनाएगा कैसे, सामान आएगा कैसे, मैन्युफैक्चरर के पास सामान आएगा, ये मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। अब मैन्युफैक्चरर को भी बताता है ये कि भाई देखो एक कस्टमर है, उसकी अब डिमांड जो है वो 10 यूनिट हो गई है। तो बोलता अच्छा ठीक है, तो अब मैं 5 नहीं 10 बनाऊंगा। फिर वो सोचता नहीं, अगर मैं 10 बनाए तो भी दिक्कत है, अगर मान लो उसकी डिमांड और बढ़ गई, तो कहते हैं भाई देखो मुझे 15 बनाना है। तो वो सोचता तुम्हें 15 बनाना है तो तुम इससे 5 मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा, तुम्हें अगर 15 बनाना है, अगर होल सेलर बेटा 15 बना रहा है, तो अगर मैं किसी को प्रोडक्ट दे रही हूँ तो मैं उसको उतना ही दूंगी, सोचूंगी थोड़ा एक्स्ट्रा बना लूँ। मान लो उसने मुझे 15 की जगह अगर 20 डिमांड कर ली, होलसेलर ने अगर मैन्युफैक्चरर से 15 की जगह 20 डिमांड कर ली, तो मैं क्या करूँगी। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 20 यूनिट बना के रख लेता है, एक्स्ट्रा बना के रख लेता है। अब इसका दिमाग थोड़ा मैन्युफैक्चरर का ढीला है, करेक्ट है, ये क्या करता है 20 भी नहीं बनाता, ये कहता है भाई मान लो अगर कस्टमर और ज़्यादा डिमांड कर ले तो ये और ज़्यादा के लिए आ जाता है, तो ये 20 यूनिट नहीं बनाता, ये 20 यूनिट नहीं बनाता, ये बनाता है सीधे 40 यूनिट। कस्टमर की डिमांड कितनी थी, 5 से 5 बढ़ी, यानी कि 5 पे 5 बढ़ी, मतलब 5 यूनिट तो थी 5 यूनिट और बढ़ गई। कस्टमर की डिमांड टोटल 10 यूनिट्स हुई है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरर ने कितना बना लिया, 4 टाइम एक्स्ट्रा बना लिया, 40 यूनिट्स बना लिया। इसको बोलते हैं बुलविप इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये विप है, यानी कि इधर चेंज आने से सीधा इधर चेंज आता है, यानी कि कस्टमर के चेंजेस आने से सीधा मैन्युफैक्चरर की डिमांड में चेंज आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बुल विप इफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, और अगर इस तरीके से आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि भाई देखो ये टॉपिक है मैम और ये हमें समझ आया है और इस तरीके से, या अगर आपके कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं टॉपिक से रिगार्डिंग, कि कुछ भी अलग करवा रहे हैं, या इसके रिगार्डिंग मान लो यही टॉपिक मैं ले लेती हूँ, इस टॉपिक के रिगार्डिंग में अगर आपके कॉलेज में कुछ अलग करवा रहे हैं, या इसके जैसे कुछ और टॉपिक्स करा रहे हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मुझे बताया करो कि दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं कोशिश करूँगी उन्हें कवर कराने की अगर वो सच में बहुत ज़रूरी होंगे। ओके सो खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, एंड पूरी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से शिद्दत से मेहनत से बनाई है। आई होप आपको एक एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि मैंने कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, देखो सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होल सेलर, रिटेलर, कस्टमर, बुल विप इफेक्ट उल्टा वर्क करता है, ये वर्क स्टार्ट करते हैं कस्टमर से, ये कहाँ से वर्क करे, कस्टमर से वर्क करे, कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से होल सेलर, होल सेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर सप्लायर, इस तरीके से ये वर्क कर। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के संग, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।